दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो भी छात्र जो भी स्टूडेंट बेचारे बहुत दिनों से जो है टीचिंग जॉब को लेकर के दोस्तों इंतजार कर रहे। दोस्तों देखिए, अभी आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब बिहार में देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों वो बिहार के लोगों के लिए स्पेशल थी। लेकिन आपको बता दूँ, 38,000 पदों पर दोस्तों आपकी, यानी 38,480 अगर मैं बात करूँ, 38,000 दोस्तों 480 आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 38,480 पदों पर दोस्तों एकलव्य विद्यालय में आप लोगों ने को बताओगे दोस्तों। इस बार के बजट में ही केंद्र सरकार ने दोस्तों इसका ऐलान किया था और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जबरदस्त दोस्तों 38,480 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या किस तरीके की पोस्ट देखिएगा आप लोग यहाँ पर। नोटिफिकेशन जो आपका जारी किया गया है, यानी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट टीचर, ठीक है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, TGT, PGT, आर टीचर, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, देखिए आप लोग स्वीपर तक दोस्तों ये आपकी टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, सारी चीज़ें आपको आप नोटिफिकेशन को मैं PDF में डाल दूंगा, लिंक आप लोग खुद से पढ़ के देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस फॉर्म को जरूर जो भी भाई टीचिंग एग्जाम को लेकर के तैयारी कर रहे थे उनके दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका देखिए। तो इसमें पूरे ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट से हो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे दोस्तों आपका किस तरीके से दोस्तों किस में किस तरीके की वैकेंसी उन सब चीज़ों के लिए बाहर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, देखिए आपकी वैकेंसी दोस्तों इसमें वैकेंसी की बात करें 780 वैकेंसी दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर आप ग्रेड पे लेवल दोस्तों 12 का है, ग्रुप ए की जॉब है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका अप टू 50 ईयर्स EMS एम्प्लॉय इंक्लूडिंग आर रिलैक्सेशन। इसके अलावा दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए दोस्तों। ये थोड़ा सा अपर लेवल की जॉब दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपका जो क्या कह सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, क्योंकि जो नया रिक्रूटमेंट होने वाला बच्चा है दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस क्वालिफिकेशन को रखना, क्योंकि दोस्तों अक्सर ये प्रमोट होकर के जाते हैं दोस्तों, या फिर बहुत जो हाई क्वालिफाइड होते हैं दोस्तों प्रिंसिपल के लिए दोस्तों वही अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे जो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी, अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पर आप देखिए दोस्तों वाइस प्रिंसिपल दोस्तों यही ये भी वही सेम कैटेगरी में रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो आपका वैकेंसी, देखिए आपका PGT को लेकर के दोस्तों यहाँ पर आपकी वैकेंसी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, देखिए 8,140 इसको दोस्तों आप लोग टारगेट कर सकते हो दोस्तों। अगर ग्रेड पी की बात करें तो दोस्तों 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा आपकी जो क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसमें क्या है आप यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट इन मेंशन एबव विल ओनली बी कंसिडर एज एलिजिबल है दोस्तों। जिनके पास जो है क्या होगा कि मास्टर डिग्री होगी दोस्तों वही इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों BEd डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 डिग्री कोर्सेज BEd इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी दोस्तों अगर BEd फर्स्ट इज नॉट, मतलब कहने का मतलब है अगर 4 साल का BEd है दोस्तों तो आप इसमें जो है ग्रेजुएशन का तो भी एलिजिबल हो, अगर नहीं है दोस्तों तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यानी आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट डीम्ड एज यूनिवर्सिटी फॉलो द सब्जेक्ट दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपका अगर होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देख करके खुद समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे इन केस ऑफ एज, देखिए कि एज का क्या है क्राइटेरिया, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए 50% लोग प्रमोशन होकर के जाएंगे, 50% का रिक्रूटमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आगे, अब यहाँ पर देखिएगा PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस दोस्तों, आपकी ये वैकेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, I1 पर स्कूल टोटल इतने वैकेंसीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस, IT, MCA टेक्नोलॉजी और ME, देखिए आप लोग सारे जो एजुकेशन डिटेल्स दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोग खुद भी देख सकते हो, इसको मैं यहाँ पर PDF डाल दूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ द ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर है TGT के लिए दोस्तों, यहाँ पर 8,880 वैकेंसी दोस्तों। नंबर आप पोस्ट बात करें 12 पर स्कूल में दोस्तों, यहाँ पर भी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये के आसपास आपकी सैलरी होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर इसेंशियल दोस्तों आपको क्या दिया गया, बैचलर डिग्री इन कंसर्टेड सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टेस्ट 2 और 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, बैचलर डिग्री फ्रॉम मनी आपका दोस्तों, आपका बैचलर डिग्री हो प्लस आपके पास BEd हो तो आप लोग यहाँ पर होंगे, आप यहाँ पर सारी चीज़ों को भी देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका
अगली वैकेंसी को लेकर के कि अगला आपका जो पोस्ट है उसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका है नेम ऑफ द पोस्ट आर टीचर। दोस्तों आर टीचर की वैकेंसी आप लोगों की 740 यहाँ पर भी है, और वही दोस्तों गेट यहाँ पर डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट एंड रिकॉग्नाइज बी एड डिग्री इन फाइनल आर्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज कॉलेज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आपका यानी आपका ग्रेजुएशन हो प्लस आपका बी एड हो आर्ट से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। दोस्तों म्यूजिक टीचर के दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हो, म्यूजिक टीचर की जो एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पर देख के पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वन मेल एंड वन फीमेल, 1480 वैकेंसी है। इसे बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यानी आपका दोस्तों एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आपका ओनली यही मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। आप लोग यहां पर चीजों को देख सकते हो, ठीक है, बाकी चीजें आपको यहां पर दिया हुआ, आप लोग यहां पर चीजों को समझ सकते हो। अगला दोस्तों बात करेंगे आपका लाइब्रेरियन। दोस्तों लाइब्रेरियन के लिए क्या बना गया, डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस एंड इंस्टीट्यूट और ग्रेजुएशन विथ आ वन ईयर डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड लाइब्रेरी साइंस, सारी चीज़ों दोस्तों आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और फ्रॉम मतलब इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएट विथ वन ईयर डिप्लोमा दोस्तों, या फिर आपके पास लाइब्रेरियन का दोस्तों एक साल का डिप्लोमा दोस्तों तो भी ये चल जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे साथ ही अगला आप लोग यहाँ पर देखिएगा स्टाफ नर्स की बात करें दोस्तों, स्टाफ नर्स का भी दिया दोस्तों यहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए ही होगा, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो, वही चीज़ यहाँ पर दी भी हुई है। आगे अगर हम बात करें आप यहाँ पर देखिएगा हॉस्टल वार्डन की बात करें, देखिएगा यहाँ पर देखिए एसेंशियल फोर ईयर इंटीग्रेटेड कॉलेज कोर्स एनसीईआरटी इन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, दोनों इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको हॉस्टल वार्डन के लिए भी दिया गया है, आप यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अकाउंटेंट, दोस्तों अकाउंटेंट की भी आपकी वैकेंसी दोस्तों डिग्री कॉमर्स यानी आपका दोस्तों आपका बी कॉम होना चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे आगे देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कैटरिंग असिस्टेंट। दोस्तों कैटरिंग के लिए दोस्तों आपके पास ये कैटरिंग का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। आपका दोस्तों अगर अलग अलग तरीके से दिखिएगा आप लोगों का, अगर चौकीदार की बात करें दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 पास होना चाहिए आपका जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, आप लोग देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ये वैकेंसी, और अलग अलग ट्रेड में दोस्तों काफ़ी वैकेंसी दोस्तों आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काउंसलर के रूप में भी दोस्तों हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी, बाकी आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देखते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जितने भी भाई दोस्तों टीचिंग की तैयारी करना चाह रहे दोस्तों उनके लिए एक बढ़िया मौका, आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। इसका दोस्तों इसका जो पीडीएफ वगैरह दोस्तों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर देख करके इसको खुद से भी पढ़ करके आप लोग देख सकते हो क्या किस किस चीज़ के लिए है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।